अस्सलाम वालेकुम। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें नोट करें। आज हम बनाएंगे कुकीज़ बिस्किट, और ये घर में बहुत ही अच्छे बने हैं। ये सेम इसी तरह के अगर बाज़ार से लें तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये चीज़ें नोट कर लें। मेरे पास मूंगफली है, ब्लैक चॉकलेट है, ये बादाम है, मूंगफली और ये चॉकलेट को मैं चॉप कर लेंगे हम। इसका बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना, चॉप करना है, ग्राइंड नहीं करना। और आप चीज़ें साथ साथ नोट कर लें, ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। आपने अगर ये आपको नहीं पसंद है मूंगफली या चॉकलेट, तो आप इसके अंदर मुरब्बा भी डाल सकते हैं, मेवा भी यूज़ कर सकते हैं। जी बटर मेरे पास 80 ग्राम, 80 ग्राम बटर है, और 80 ग्राम ही चीनी है मेरे पास। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। दो दफ़ा करके मैंने चीनी यूज़ की है। ऑयल है मेरे पास 50 ग्राम। ऑयल हमेशा बेकरी की चीज़ों में अच्छे वाला यूज़ करें, सस्ते वाला ना इस्तेमाल करें। एक अदद अंडा है, ये ऑरेंज का मेरे पास छिलका है, इसकी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और वनीला पाउडर था मेरे पास जो मैंने डाला है 8 ग्राम। ये कुकीज़ और ये जो चॉकलेट और मूंगफली है ना, ये अपने हिसाब से आप डालें जो कुछ भी बनाएंगे ना। मैंने 3 चम्मच यूज़ किए हैं। और मेरे पास 190 ग्राम ये केक फ्लोर वाला आटा मैंने यूज़ किया है, और 20 ग्राम इसमें कॉर्न स्ट्रेच था यानी क्रॉन फ्लोर। 190 और 20 की 110 ग्राम हो गया आटा। इसकी अच्छी सी डो बना लें, और जब इसकी डो बन जाए तो इसे 30 मिनट के लिए आप ना फ्रिज में रख दें या फ्रीज़र में, और 30 मिनट के बाद हम अपनी ये बिस्किट रेडी कर लेंगे। ये बेकिंग पाउडर है, और ये है 4 ग्राम अभी जो मैंने डाला है। ये 30 मिनट हो चुके हैं, आपको जो भी शेप आपके घर में मौजूद है या आपको बाज़ार से मिलती है अपनी पसंद से, उसी शेप में आप बिस्किट बना लें। ओवन को मैंने हीट करने के लिए रखा हुआ है, जब ओवन आपका गर्म हो जाए तो आप 15 मिनट के लिए इसे ओवन में रख दें 170 डिग्री पे। 170 पे भी रख सकते हैं, 180 पे भी। ये 190 ग्राम मेरे पास क्रॉन फ्लोर था, और 20 ग्राम कॉर्न स्ट्रेच था। ये 110 ग्राम टोटल आटा आ गया, और ये इसमें इतनी ज़्यादा कुकीज़ रेडी हो सकती हैं।
बच्चों की बर्थडे वगैरह हो या कोई पार्टी वगैरह हो, तो इतने यानी के आटे के अंदर इतनी सारी कुकीज़ रेडी हो सकती हैं। ये बादाम मैंने ऊपर लगाए हैं, ये भी चॉप किए हुए हैं। इसे ओवन में लगा देंगे। और ये जो मेरे पास आटा अभी बच गया था, ये मैं उसकी ये दूसरी शेप बना दूंगी। और ये बहुत ही आसानी से बन जाती है, आप ज़रूर ट्राई करें। और बहुत ही मज़े की बनी है। और ये इधर से बड़ी बहुत ही एक्सपेंसिव मिलती हैं, तो घर में बिल्कुल वही टेस्ट आया जो इधर पेरिस बेकरी से मिलता है, उससे भी मज़ीद अच्छा है। जी कुकीज़ हमारी रेडी हो गई है। ये मैंने चॉकलेट लगाई है, चॉकलेट ये अभी